दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है असर। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे दिलीप कुमार, अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली। आप बात करें इस फिल्म से जुड़े एक्साइटिंग कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म को दिलीप कुमार और अजय देवगन लीड करने वाले थे, और ये कोलैबोरेशन पहली बार बड़े पर्दे पे एक साथ नज़र आने वाला था। और मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक दिलीप कुमार और अजय देवगन दोनों ही काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर्स रहे हैं, जो हर किस्म के रोल्स को अपने स्टाइल में मोल्ड करके काफ़ी फैसिनेटिंग परफॉर्मेंसेस देते आए हैं। जहाँ दिलीप कुमार की क्लासिकल टेक्निक और अजय देवगन की कमर्शियलाइज्ड अप्रोच एक बेहद स्पेशल कॉम्बो बन के सामने आ सकती थी, जो मासेस और क्लासेस दोनों को ही गुड नंबर्स में पुल करने का रियलिस्टिक पोटेंशियल रखती थी। और देखा जाए तो ये बात है साल 2004 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और अनाउंसमेंट के बाद दिलीप कुमार और अजय देवगन के बहुत से फोटोशूट्स भी किए गए थे, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ किया जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनाउंसमेंट के बाद ये फिल्म दिलीप कुमार के हेल्थ इश्यूज की वजह से एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई थी, और शूटिंग लेवल पे पहुंचने से पहले ही बंद कर दी गई थी। और इसके बाद दिलीप कुमार ने फिल्मों से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था, और किला उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म साबित हुई थी। और इस तरह से दिलीप कुमार और अजय देवगन का ये आइकॉनिक पेयर हम कभी भी बड़े पर्दे पे एक साथ देख ही नहीं पाए। और मेरे ख्याल से अगर ये दोनों एक्टर्स एक साथ आ जाते तो ये मूवी भी एक यादगार मूवी बन जाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो दिलीप कुमार और अजय देवगन की अनरिलीज्ड मूवी असर के बारे में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।